जब तुम हर हफ्ते यहाँ आते मुझे लगता था तुम मुझसे मिलने आए हो, पर तुम मेरी पीठ पीछे इस नौकरानी के साथ गुलछरे उड़ाने आते थे। तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे साथ मुझे भी जीते जी मार डालेंगे। दीदी जो हुआ सो हुआ, बस आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए ताकि ये मेरे बच्चे को गिरा सके। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आएगी बताओ? माना घर की बागडोर औरत संभालती है, लेकिन पैसे का सारा लेन देन उनके बड़े बेटे के हाथ में है। लोग इस खानदान की इज्जत करते हैं और मैं इसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? चोरी चकारी करनी शुरू कर दी? नहीं साहब। तो बता इतना पैसा आखिर तुझे किसने दिया? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। पैसे मैंने दिए थे पिताजी। क्यों दिए? अबॉर्शन कराने के लिए पिताजी। ए तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? ऐसे उठाओ निकल यहाँ से। तुझ जैसे बिन माँ के बच्चे को लाड प्यार देके मैंने बड़ी गलती की। घर की जिम्मेदारी तुझे सौंपी ताकि तू दुनियादारी को समझ सके, लेकिन आज तूने उस नौकरानी को माँ बना के मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। लक्ष्मी, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। एक बाप होने के नाते मुझे मजबूर होकर इसे सारी उम्र खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन अब से इसे नौकर की तरह घर के पीछे झोपड़े में रहना होगा। इस घर पर इसका कोई हक नहीं है। मेरे लिए ये हमेशा के लिए मर चुका। दीदी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे बेटे को नीचे उतारो। दीदी उतारो। आज के बाद अगर इस घर में आए या मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती तो वो मेरे भाई की जान ले लेते। मेरे भाई की गलती की सजा उस बेचारे ने अपने सर पर ले ली और आज उसके पिता उसके लिए पराए बन गए। सुनने में आया है कि सोशल वर्कर हरिश्चंद्र प्रसाद अपनी सारी दौलत स्टील फैक्ट्री लगाने में फूंक रहा है। वो सब कुछ दाव पर लगा रहा है और सुना है कि बाहर से बढ़िया मशीनरी मंगवा रहा है। जमीन देने के लिए उसने हमें अर्जी लिखी है। आज वो जमीन तेरे हाथों से खिसक कर उसके पास जाने वाली है, वो जमीन जिसपे तू सालों से राज करता आ रहा है। वो लोगों की मदद करने की नीयत से राजनीति में उतर रहा है। अगर वो जीत गया ना तो तेरा दबदबा खत्म और मेरी कुर्सी हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसे आज की राजनीति की रत्ती भर भी समझ नहीं है, वो नहीं जीतेगा। ऐसा तुझे लगता है? लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं, उसे हराना मुश्किल है। तो ठोक देते हैं उसे। सोशल वर्कर्स और एक्टर्स लोगों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर वो फिर भी इसमें कदम रखे तो उनके पैर काट देने चाहिए। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझे और मेरे परिवार को इतना प्रेम और सम्मान देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। राजनीति में उतरकर मेरा तात्पर्य आप लोगों की वाहवाही लूटना नहीं, बल्कि आप लोगों का जीवन संवारना है। अपना काम काज छोड़कर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर आपके पास आऊंगा। सर, मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मगर वक्त आने पर आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। हमें पक्की खबर मिली है कि जब आप नॉमिनेशन भरने जाएंगे तब आप पर जानलेवा हमला किया जाएगा। जान लेना ऊपर वाले के हाथों में। ऊपर वाले ने हमें एक लक्ष्य के लिए भेजा है, वो लक्ष्य है सबको ताकतवर बनाना, ताकि आप और हम मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। मेरे साथ सिर्फ ड्राइवर और एक गवाह जो पेपर्स पर साइन करेगा, उसके अलावा इलेक्शन ऑफिस में और कोई नहीं जाएगा। सुनिए, लोग आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन आप सबको मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आज तो अपने बड़े बेटे को अपने साथ ले जाइए। लक्ष्मी, मैं इस रिश्ते को सालों पहले खत्म कर चुका हूँ। ना वो मेरा बेटा है और ना ही मैं उसका बाप। लेकिन मैं अपने जिगर के टुकड़े अपने पोते को साथ ले जाऊंगा।
राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ? भाई इसे ऊपर भेजने का हमने पूरा गेम बिछाया था, पता नहीं साला लोचा किधर हो गया। भीड़ से डर गया क्या? ये भ्रम है तुम्हारा। बुढ़ापे में तुझे सुनने के साथ साथ दिखाई भी कम देने लगा है क्या? तुझे क्या लगता है लोगों की भलाई की खातिर अपने पुरखों की सारी संपत्ति दान देकर तूने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिखाया है क्या? राजनीति कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे, बता रहे इसको? लोग भूखे हो तो अनाज फेंको, अगर खुश हो तो उन्हें दारू पिलाओ और मजे करने दो। जब जी आए किसी के घर में रह लिए, सो लिए और ऐश कर लिए, और अगर कोई तुम्हें अपने इलाके से हटाने की कोशिश करे तो उसका पूरा खानदान साफ कर दो। ये होता है एक लीडर। नागेंद्र भाई जिंदाबाद। तुम्हारी सोच गलत है। सरकारी ऑफिस में आया हूँ ना, इसलिए मैं अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आया हूँ तेरे कहने पर, वरना आज यहीं इस बुड्ढे का सर काट के इसे बताते कि सच क्या है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरा परिवार सिर्फ आपकी वजह से ही जिंदा है। अगर आप जीते तो ये पूरा शहर खुशहाल हो जाएगा। इस कमीने के जुल्म को खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही? अगर मेरी आंखें मुझे धोखा देती ना तो अब तक तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। ये जिंदा रहा तो आपको जीतने नहीं देगा, मैं मार दूंगा इसे ताकि आपको जीतने से कोई रोक ना सके। मैं राजनीति में इसलिए कदम रख रहा हूं ताकि सबको पता चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत आज भी हो सकती है, और इसका मजा तब आएगा जब ये उसे देखने के लिए जिंदा रहेगा। जब ये तुझे मारने के लिए आया तब तेरे पीछे खड़ी ये भीड़ तुझे बचाने के लिए एक कदम आगे नहीं आई, लेकिन जरा देखिए अपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए तुझे रास्ते से हटाने आया था। शायद आज तेरा दिन अच्छा है। अच्छे कर्म उसे कहते हैं जो युगों युगों तक याद रहते हैं। एक सच्चा आदमी जब हथियार उठाता है तो क्रांति आ जाती है। क्या बोला था तूने? लोगों के सामने अनाज फेंकेगा? कई सालों से तू सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठा हुआ है और वहां राज कर रहा है। मैं उसी जमीन पर एक स्टील फैक्ट्री बनाऊंगा, वहां के हर एक आदमी को उसमें नौकरी दूंगा और इतना काबिल बनाऊंगा कि वो तेरे फेंके हुए अनाज को एक नजर देखेंगे तक नहीं। मैं इन्हें इस कदर सुधारूंगा कि वो तेरी शराब को छुएंगे तक नहीं। कोई नशे का गुलाम नहीं होगा। आगे से तुमने किसी लड़की के सामने आंख उठा कर देखा तो घरों के सामने गमलों की जगह तुम्हारे कटे हुए सिर टंगे मिलेंगे। जिस जगह प्यार होता है
उसके आगे कोई जातिवाद नहीं टिक पाता। औरत मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हर बुराई को दूर रखो और बच्चों को शिक्षित बनाओ, पढ़ा लिखा कर उन्हें एक बड़ा आदमी बनाओ, ताकि कल जाके वो इतना नाम करे इस सारी दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। और तुझ जैसे शैतान मुझे रोक नहीं सकते, ये बात गांठ बांध लो। धीरे धीरे आजमगढ़ में एक क्रांति की हवा चलने लगी। उस क्रांति का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सच्चे नेता की तरह उभरे, एक ऐसा नेता जिसे न तो सत्ता का लालच था न पैसों का। वो जिसे चाहते उसे मिनिस्टर बना देते, जब चाहते अपने चुने हुए मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेते। गांव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, रोजगार आया, शिक्षा आई। जो हाथ पहले तलवार उठाकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए उठते थे, वही अब एक दूसरे को थामकर गांव की तरक्की में जुट गए। पूरा गांव मानो एक मंदिर बन गया था, जिसके भगवान थे हरिश्चंद्र। डॉक्टर, अर्जेंट केस है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, इसकी ड्रेसिंग कर दो। ओके सर। सर ये मेडिसिन की लिस्ट है, बगल के मेडिकल शॉप से ले आइए, जल्दी कीजिए। सर मेरा भतीजा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं दवा लेने चला गया था लेकिन वो अब रूम में नहीं है। देखिए यहीं कहीं होगा। आपने 5 साल के छोटे बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया, जिंदगी भर का जख्म दे दिया। आगे बताओ क्या करना है? हमें हरिश्चंद्र की मौत चाहिए, मौत। थोड़ा सब्र करो, सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कौन है ये? रामकृष्ण प्रसाद का बेटा। अपने भाई को फोन दे। वो यहाँ नहीं है, वो मंदिर की छत पर बैठा हुआ है, तेरे बाप का बॉडीगार्ड बना हुआ है। नीचे बोला। अरे जल्दी बुला, अगर देर कर दी तो तेरे भतीजे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। रक्षा तो तूने अच्छी तरह कर ली, ऐसे आदमी की रक्षा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रहा हो? जरा अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचो। मैंने पहले ही सोच रखा है। अच्छा तो उसके पीछे से हट जा। भूल जा। तो अब तू तेरे बेटे को भूल जा। मैंने किडनैप किया है उसको, तुझे 60 साल का बुढ़ा जिंदा चाहिए या 5 साल का तेरा नन्हा बच्चा? जल्दी डिसाइड करना। लाखों लोगों की जिंदगी आज मेरे पिता के ऊपर टिकी हुई है, अगर इसके लिए मुझे अपने बेटे की बलि भी चढ़ानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मार दो उसे। भैया मेरा बेटा मरा नहीं, सबसे कहना वो कहीं खो गया है। इस उम्र में बाबूजी ये सदमा सह नहीं पाएंगे।
7 साल बाद। मैं एक अनाथ हूं। अच्छा बेटा कौन हो तुम? मैं एक अनाथ हूँ। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। पैसा क्या होता है? पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन दिमाग तेज होना चाहिए। दिमाग लगाओगे तभी बड़े आदमी बनोगे, और इसके बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों रे आंसू बहा रहा है? सालों पहले अगर तेरा बाप मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीति में नहीं उतरता तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे जो बताने वाला हूं उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, तेरे अपने खून से उसे मरवाया। अब तेरे इस कातिल बेटे के हाथों में तेरे पूरे परिवार को मरवाऊंगा। 20 साल बाद नागपुर सेंट्रल जेल। जानवरों की तरह जंजीरों से क्यों बांध रखा है? ये भी हमारी तरह इंसान है। चलो इसकी बेड़ियां खोलो। जंगली जानवर को बेड़ियों में ही जकड़ कर रखा जाना चाहिए सर। रूलिंग पार्टी के लीडर से बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये डीजीपी भी पानी भरता है मेरे आगे। इसे खोलना है या सस्पेंड होना है? मुझे इससे पूछताछ करनी है। तुम सब यहां से जा सकते हो। तुमने रामकृष्ण प्रसाद को मारने की कोशिश की, जो कि आजमगढ़ के आसपास की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर राज करता है। तुमने 11 बार जेल से भागने की नाकाम कोशिश की। अब आज तुम्हें उसे मारने का मौका मिल रहा है। हम और हमारा पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ है। उसे मारने पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारी पार्टी 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जीत जाएगी और अगली सरकार फिर से हमारी बनेगी। उसको मारने के बाद तू मेरा एनकाउंटर करवा देगा और मीडिया बुला के ये पब्लिसिटी करवाएगा कि तुमने रामकृष्ण प्रसाद के कातिल को 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर कर दिया और अगला इलेक्शन जीत जाएगा। क्यों, यही प्लान है ना? नागेंद्र, डीजीपी ने तो कुछ इसी तरह का प्लान बनाया था। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जैसे ही हमारी यहां नई सरकार बन जाएगी, हम मर्सी पिटिशन का सहारा लेकर तुम्हें इन बेड़ियों से आजाद करवा देंगे और हम तुम्हें बना देंगे आजमगढ़ का बेताज बादशाह। तुम रामकृष्ण प्रसाद को मारने का प्लान बना रहे हो और सिक्योरिटी में उसी के आदमी को रखा हुआ है। यही है तुम्हारा सिस्टम? आजमगढ़ में रामकृष्ण प्रसाद को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। दफा हो जाओ। नागेंद्र, रामकृष्ण की भतीजी कल नासिक जा रही है, तुम कहो तो उसे वहीं उठा ले।
जो आदमी दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ जरूर आएगा। अगर तुम उसे आजमगढ़ के बाहर ले आए तो बाकी मुझ पर छोड़ देना कि उसे ऊपर कैसे पहुँचाना है। और कितना भागेगी जानेमान? हम इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितेश पाटिल के घर के सामने खड़े हैं। कल रात निकिशा नाम की युवती की लाश मिली है। खबर मिल रही है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, लेकिन निकिशा के पिता ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि उनकी बेटी का बेरहमी से कत्ल किया गया है और कातिल कोई और नहीं नितेश पाटिल का बेटा संजय पाटिल है। बाकी की जानकारी ब्रेक के बाद। ये कौन है? जिस लड़की का खून हुआ उसके पिता आपके पापा ने उन्हें यहाँ बुलाया है। सुबह सुबह मैं कॉफी पीता हूँ क्या? जा जाके मेरे लिए थोड़ी सी विस्की ले क्या? जा। पूरा देश निकिशा के पिता और नीतीश पाटिल के बीच हुई मीटिंग को जानने के लिए बेचैन है। उनके बीच क्या बातचीत हुई इस बात का पता तब तक नहीं चल पाएगा जब तक निकिशा के पिता बाहर नहीं आते। कैमरामैन रवि के साथ संध्या सी न्यूज़। केशव भाव। हाँ सर। गोरेगांव की मीटिंग का क्या हुआ? कैंसिल हो गई सर। तो फिर हीरा नंदानी वाले को यहाँ बुला लो। ठीक है सर। ये निकिशा के पिताजी हैं सर, इसे संभाल के रखो। जी सर। ये है निकिशा के पिताजी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बसा 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 बसा। आयुष्मान भव। ये गाढ़वा बड़ों के सामने पैर फैला कर नहीं बैठते। देखिए ना साहब, अपनी बिटिया के साथ भारी अन्याय हुआ है और ये मीडिया वाले ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कोई फिल्म स्टार। संजय अमेरिका में पढ़ता है, वहां के लोग तो शादी से पहले ही डेट पर जाते हैं, घूमते हैं। अब वहां की हवा लग गई इसे भी। आपने तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसे हर वो चीज दी जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। अब इसमें गलती संजय की है ही नहीं ना, गलती तो आपकी है। इस जमाने में ऐसी खूबसूरत लड़की पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। लड़के तो पीछे पड़ेंगे ही, जहाँ कहीं फूल देखा भौरे पीछे चले आते हैं। मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, बताइए मुझे क्यों बुलाया? चप्पा आइला चप्पा, बस अपने औकात में रहे। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे जैसे नेता ने अपने घर बुलाया। तुम जैसों की लड़कियां होती ही हैं हमारी मौज मस्ती के लिए। हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं तुम्हारे और तुम्हारी जवान बेटियों के साथ। साल्या मीडिया में बयान देकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है? कुछ नहीं होगा इस कवरेज से। इस देश में न्याय नाम की चिड़िया जिसे अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी। एक बात समझ ले तू, तूने क्या सोचा 20 साल से जमाई हुई मेरी इस राजनीति की दुकान को तू एक ही दिन में बंद करवा देगा? हलवा समझा है क्या? उसेड़ दूंगा कुत्रिया, तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगा तुझे भी। केशव भाव। जी सर। चल पकड़िए चेक, पूरे 50 लाख का है। जिस मीडिया के सामने तूने मेरे बेटे को नंगा किया था उसी मीडिया के सामने जाकर उसे कपड़े पहना। चल गए? नहीं लेगा। अरे इसकी बड़ी बेटी दिखने में कैसी है? वो तो उस मरी हुई से भी ज्यादा माल है पप्पा। अक्कल आली तुला, इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। चल निकल। आयुष्मान भवा। केशव भाव। जी सर। जरा कान साफ कर लो, उस न्यूज चैनल वाले को बुला लो। सर प्लीज बताइए, आप मंत्री जी से मिलने क्यों आए थे? आपको मंत्री जी ने क्यों बुलाया था? क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? बताइए। उनका कहना है कि संजय के अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, आपका इस बारे में क्या कहना है? बताइए ना सर। मैं आपके सामने सब कुछ सच सच कहना चाहूंगा। मेरी बेटी बिगड़ गई थी, रात भर पब में घूमना, उसे नशे की लत लग गई थी। उसी नशे की हालत में उसने आत्महत्या कर ली। खैर अब तो मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी मौत से थोड़े पैसे कमा लिए जाए, अमीर बना जाए। इसलिए मैंने मिनिस्टर की बेटी पर गलत इल्जाम लगाया। देखा आपने, एक मिडिल क्लास आदमी ने अपनी औकात दिखा दी, उसने अपनी बेटी की मौत से भी पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ा, बेचारे उस सीधे साधे मिनिस्टर के बेटे पर इल्जाम लगा दिया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि गरीब अमीर की दौलत और नाम से जलते हैं। ओवर टू स्टूडियो। पार्टी वर्कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दरवाजा बंद कर रहे। MDTV की तरफ से आपको कांग्रेट्स सर। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। पूछो ना। सुना आपका हट्टा कट्टा बेटा नामर था? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुना है मैंने।
कितनी बुरी बात है। अब आप ही बताइए, एक नामर्द रेप कैसे करेगा? आप जनता को सच बताइए ना सर। ए, जिस साले ने ये खबर दिखाई है उसकी बहन को भेज मेरे पास, फिर देखना भरी मीडिया के सामने, मैं बता दूंगा मर्द कौन है और नामर्द कौन है। काली करतूतों को ढकने के लिए तूने कईयों के मुंह बंद किए। वैसे भी तुझ जैसे घटिया आदमी के पास दौलत के नाम पर कागज के नोट हैं। एक सुपारी लेने वाले के भी अपने कायदे कानून और अपने कुछ उसूल होते हैं। क्या तुम एक किलर हो? मेरे बेटे को मत मारो, जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। जिस तरह मौत को पैसों से रोका नहीं जा सकता, उसी तरह मुझे खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारा काम गंदगी फैलाना है और मेरा काम गंदगी खत्म करना। सच कहूं तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने इस हैवान की हैवानियत को रोका। उसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बता दूंगा। मिनिस्टर साहब अपना बयान देने वाले हैं, ये केबल और कैमरे से कनेक्ट करो। महाराष्ट्राच्या जनतेला माझा नमस्कार। मेरे बेटे संजय पाटिल ने निर्दोष निकिशा का रेप करके उसकी हत्या की थी। निकिशा के पिताजी को बुलाकर उन्हें डरा धमकाकर मीडिया के सामने गलत बयान देने पर मैंने मजबूर किया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे बेटे ने जो अपराध किया है उसमें उसका साथ दिया, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। मैंने इस अपराध के लिए खुद को सजा दी है। इतना ही नहीं, मैंने अपने बेटे को भी सजा दी है। सबके सामने सच बता दिया, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मेरे बेटे को मत मारना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। जिंदगी, मौत और मेरा फैसला, ये कभी नहीं टलते। नो सेकंड ऑप्शन। सुनिए, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा, आपने मेरा बदला पूरा किया, ये आप रख लीजिए। न्याय और किट्टू की कोई कीमत नहीं लगा सकता, ना मैं बिकाऊ हूँ और ना ही मेरा ईमान। उस मिनिस्टर ने एक पिता को ठेस पहुंचाई और एक भाई ने एक बहन का बदला लिया। मेरे लिए बस यही काफी है, इस पैसे से अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से करना। पर इसे आप ही रख लीजिए। चाहे कोयले की खान में हो या ईश्वर के गहनों में, हीरा हीरा होता है। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो तुम जैसा बेटा मिला। ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मेरे माँ बाप को अच्छे से जानते हैं। अब अगर उन्हें जानता होता तो तुम्हें कब का उन्हें सौंप दिया होता। तुम 5 साल के थे जब मुझे मिले थे,
बस तब से तुम मेरे साथ ही रह रहे हो। मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। कौन है? पुराना दोस्त है। भाई अब जेल से बाहर कब आए? वो सब छोड़ दे, प्लान पल्ले पड़ गया ना। हाँ भाई, लेकिन किसी की भी सुपारी लेने से पहले वो चेक करता है कि मरने वाला इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। अगर उसे पता चलेगा कि अगली सुपारी वो अपने बाप को मारने के लिए रहा है तो वो हमारे खिलाफ होकर हमारा ही काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। इस काम के लिए वो सही नहीं रहेगा भाई, ये काम किसी और से करवाते हैं। दोस्त था, बचपन का दोस्त, चाय, थैंक्स। जानता हूँ मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे होंगे। एक बड़े घराने के संस्कारी बच्चे को मैंने एक हत्यारा बना दिया। तुम्हारे पिता आजमगढ़ के नामचीन नेता हैं, जिन्हें लोग देवता की तरह पूछते हैं। आज तक ऑपोजिशन वाले तुम्हारे पिता को इलेक्शन में हरा नहीं पाए। हराना तो दूर, उनके आस पास भी नहीं भटक सके, इसीलिए वो उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। इस फोन में उसकी सारी जानकारी है। जो गलतियां मैंने की थी उसके प्रायश्चित का दिन आ गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, हमारा साथ यहीं तक का था बेटा। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं तुम्हें मिस कर देता। क्या? मतलब अगर सही वक्त पर हाथ नहीं पकड़ता तो मेरी लाइफ की पटरी में तुम्हें एंट्री नहीं मारती। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी कैबिन में क्यों आ गए? तुम्हारी? मगर पहले तो ये कैबिन रेलवे की थी। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्या करना, मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ। इससे अच्छा तो मैं जनरल डिब्बे में चली जाती। मुझे लगा तुम स्पेशल क्लास की हो, मगर तुम तो जनरल कंपार्टमेंट की निकली। तुम क्या मुझे चालू टाइप समझते हो? वैसे शक्ल से नहीं लगती। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा सैंडल नंबर है 10, जूती नंबर 9, थप्पड़ का नंबर 5 और घूसा फ्री में है इनके साथ। अब तुम्हें समझ में आ गया ना सब कुछ? तुमने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताया। तुम जैसे लड़के को मैं अपना मोबाइल नंबर दूं? मोबाइल तो क्या, मैं तुम्हें अपनी स्माइल तक ना दूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वेरी गुड, फिगर अच्छा है। आप कहो तो मैं भी अपने फीचर्स बताऊं। बको। मैक्सिमम हड्डी तोड़ने का, मिनिमम जिंदा छोड़ने का, सर फोड़ने का, नाक में करंट जोड़ने का, गर्दन मरोड़ने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता है किसके नाम दर्ज है? वो महान आत्मा तुम्हारे सामने बैठी है। शायद कमेंट्री में तुम्हें मजा नहीं आया, मैं तुम्हें हाइलाइट दिखाता हूं। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हीर रांझे की औलाद मजनू गैंग है। आशिकी में डिप्लोमा करने के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो मुझे शेर सुनाने लगे, फिर मैंने उन्हें शेर का पंजा दिखा दिया। ये लड़की कौन है और इसकी नाक में इतना गुस्सा क्यों है? सोनिया नासू है ना, पब्लिक में मारधाड़ करने के लिए उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके मुझे जेल करवा दी। जब सच्चाई का पता चला तो उसे गलती का एहसास हुआ और उसने मेरी बेल करवा दी। फिर उसने सॉरी बोला होगा? हाँ बोला, और मैंने उसे माफ कर दिया। तब तो वो बहुत खुश हुई होगी। वो तो खुश नहीं हुई, पर तुम बड़ी खुश लग रही हो। ओहो, बताओ ना फिर क्या हुआ।
खुद ही देख लो। मुझसे गलती हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हारी बेल करवाई। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। मेरे ज्यादा पास आने की, मुझसे दोस्ती करने की, प्यार दिखाने की या मेरी बेमतलब तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? I hate love stories. तो फिर उससे शादी की तुमने? नहीं, उससे मना कर दिया। पर क्यों? मुझे कल ही पता चला कि सोनिया को कैंसर है और इस वक्त हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या कहा? हाँ, सिर्फ एक हफ्ते की मेहमान है, ऐसा डॉक्टर का कहना। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि सोनिया एक सुहागन के रूप में मरना चाहती है, ये उसकी आखिरी इच्छा है। हैंडराइटिंग अच्छी है तुम्हारी? तुम्हारी मुझे भी अच्छी है। क्या लिख रही? यही कि तुम्हारी मुझे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता नहीं और कितने लोगों की मुझे तुम्हें अच्छी लगी होंगी। दो लोगों की, तुम्हारी और मेरे बचपन के दोस्त की। उस दोस्त की बचपन में भी मुझे थी? नहीं, वो अक्सर नकली मुझे लगाता था। ठीक है, मुझे जरा जगा देना, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। अरे सुनो, हेलो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी शादी में चलूं। रात को अच्छी तरह सोई तो थी ना तुम? रात को बहुत अच्छी नींद आई, तभी तो सुबह फ्रेश हूँ। रात को तुम मुझसे डरी हुई थी तो मैंने तुम्हें एक चटपटी मसालेदार फिल्मी कहानी सुना दी ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सको। बाय। एक मिनट। अरे पूजा, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हें भी अभी आना था, थोड़ा ट्रैफिक में नहीं फंस सकती थी? तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त चला गया। मेरे अलावा और कौन तुम्हारा बचपन का दोस्त है? अरे वो मुझे ट्रेन में मिला था, बिल्कुल मेरे अंकल जैसी शक्ल थी उसकी, वही आंखें वही होंठ, मुझे लगता है वो मेरे अंकल का बेटा जो बचपन में खो गया था। ओहो, फिर से वही स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट शुरू मत करो प्लीज। 25 साल से हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं, अब तो हर लड़का हमें वही लगता है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, हमारी फ्रेंडशिप आज से ओवर। मेरे सारे गिफ्ट लौटा दो। अब छोड़ना, गुस्सा क्यों करती है? सॉरी यार। ये लिंक रोड कहाँ है? लिंक रोड? वो क्यों? बस पकड़नी है। बस पकड़ने के लिए इतनी ऊपर से क्यों टपके? मेरी शिप का इंजन गर्म हो गया था, ठंडा करना था। भाई तुम आए कहाँ से हो? मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। वहाँ भी टायर वाली गाड़ियाँ चलती हैं? चलती नहीं है, उड़ती है, तुम्हारे होश की तरह। इसका मतलब तुम एलियन हो, दूसरे ग्रह का वासी। अब लिंक रोड का रास्ता बताओगे? Thank you. Right.
लोग कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के सात इंसान होते हैं, वही लड़का तुम्हारे अंकल का बेटा है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे पता चलेगा। मेरे दादाजी अपने इलाके के दबंग थे, जितना उनका नाम था उतने उनके दुश्मन भी। जब मेरा दोस्त 5 साल का था तो मेरे दादाजी के साथ एक कैंपेन में गया था और दादाजी का दुश्मन उनका पीछा कर रहा था और उसने उन पर गोली चला दी। गोली इस बच्चे को लग गई। लकीली वो बच तो गया, मगर गोली ऐसी जगह लगी है कि ना वो दिखा सकता ना बता सकता है। मगर उसे गोली लगी कहाँ थी? एग्जैक्टली यहाँ। बड़ी गलत जगह लगी गोली, हम वहाँ देखेंगे कैसे? अगर ये लड़का वही है तो निशान भी होगा, पहले उसे ढूंढो फिर निशान ढूंढेंगे। किससे मिलना है? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बॉबी। बॉबी? कौन बॉबी? आपकी बेटी का क्लासमेट बॉबी। बॉबी तुम हो? करुणा, पूजा, हाँ। देखो कौन आया है। पहचाना नहीं, यही वो बॉबी है, बचपन में इसी ने तुम्हारे पापा की मुंह छुड़ाई थी। कितना बड़ा हो गया है बॉबी। तुम सच में बॉबी हो? हाँ। और तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं पूजा और ये करुणा। मैंने तुम्हें देखा था तभी पहचान गई थी। तुम बचपन में छोटे थे, अब कितने लंबे हो गए हो? डबल हो गए हो। अच्छा ये बताओ, इतने सालों बाद हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? डायरी में देखा था। कौन सी डायरी? मतलब न्यूज़पेपर में देखा था। जब करुणा सिविल एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी तो पेपर में छपा था, वहीं सारी डिटेल मिल गई। डिटेल मिल गई तो एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा सुना है कि अंकल का दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। मत पूछो, उनके चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इस वक्त कहाँ है अंकल? जिनका नाम लिया और जिन हाजिर, उधर देखो वो रहे। अरे ऐसे दूर से क्या घूर रहे हो, कभी आदमी नहीं देखा? ये करुणा का दोस्त है, जाओ जाके गेस्ट रूम को साफ कर दो और उसके बाद जाके बर्तन और कपड़े भी धो देना। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टरेट किया है इन फेस रीडिंग फ्रॉम माइंडेड यूनिवर्सिटी। पृथ्वी वाले गूगल सर्च में सर्च करते हैं और हम सर्च में रिसर्च करते हैं। अच्छा तो मेरे दिमाग में कौन सा सवाल घूम रहा है? सिर्फ सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग भी घूम रहा है कि एक एलियन मेरे जैसे गधे की बेटी का दोस्त कैसे हो सकता है। सही कहा ना, एक्चुअली महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई मंगल ग्रह तक पहुँच गयी, उससे भी ऊपर पहुँच गयी है। हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई कि हवा के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी सर्विस टैक्स के साथ। कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? इतनी कि 2 IPL टीम खरीद ले। यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ सस्ता है, इसके पापा ने मेरा सेंट मैरी में एडमिशन करा दिया, वहीं करुणा से मेरी दोस्ती हो गई। क्या उसे पता है कि तुम एलियन हो? अगर बता दूंगा तो वो मेरे साथ उड़ जाएगी। आप भी मत बताना। तो तुम हॉस्टल में रहते थे? नहीं, मैं मंगल ग्रह से शिप में अप डाउन करता था। तब तो तुम्हें अपनी शिप पार्किंग करने में हर रोज फाइन लगता होगा। नहीं, आपने मेरी लैंडिंग देखी थी ना, मैं अपनी शिप पानी में फ्री पार्क करता था। पानी में लैंड करने से किताबें गीली हो जाती होंगी। वाटरप्रूफ थी। लेकिन तुम तो गीले हो गए थे। हाँ, मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई, मेरे इंजन में पानी घुस गया, बाहर जाइए। पानी घुस गया है तो मैं बाहर क्यों निकलूं? मेरे अल्ट्रा वायलेट रेज इतने पावरफुल है कि अगर वो तुम पर पड़ गए तो तुम अंधे, बहरे और लूले हो जाओगे और पार्क की तरह रिवर्स गियर में जाकर तुम डेड फुटी हो जाओगे। अंकल आपका मुंह क्यों खुल गया? अब मैं क्या बताऊं, मुंह खुल गया और मेरी आंख भी खुल गई। कुछ और खुल जाए, इससे पहले मुझे खुली हवा में जाने दो। अरे अरे रुकिए रुकिए। क्या हुआ? इस बाथरूम का नल थोड़ा खराब है, दूसरा बाथरूम यूज कर लीजिए। कहाँ है दूसरा वाला? उधर। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई हॉरर फिल्म नहीं, निशानी तो देखना है।
दरवाजा खोल यार। अरे ये क्या हाल बना रखा है, निशान देखा कि नहीं? नहीं देखा। अरे निशान नहीं देखा तो और क्या देखा? अक्सर लोग शावर की तरफ मुंह करके नहाते हैं ना, बॉबी दरवाजे की तरफ मुंह करके नहा रहा था। इतना अंधेरा क्यों है भाई? Yes. ओह, बात बन जाएगी। आंखें तो खुली है नहीं। अरे पूजा डैडी आ रहे हैं, चल भाग यहाँ से। डेटा केबल लगा कि ऑनलाइन और मार्स में चैटिंग कर रहा है। अभी वाइफ को अपडेट करके इसे शट डाउन करता हूँ। क्या उल्लू की तरह जाग रहे हो? तुम्हें राज की बात बताता हूँ। ये देखो केबल, इसे लगा कर ये मार्स के लड़कियों से चैटिंग कर रहा है। उसे कान में लगा के खुद आंखों देखकर हाल सुन लो। समझ में तो नहीं आएगा मगर पता चल जाएगा। मामा, मामा, मामा होश में आइए, मामा। तुम्हारा दिमाग है कि चाइना का माल? हमेशा खराब होता रहता है। अब अगर अपना भेजा चलाया ना तो तुम्हें यहाँ से उठा के पागल खाने भेज दूंगी। आज तो मैं बाल बाल बच गए लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे सारे बाल जल गए। तुम लोग चलो सो जाओ। हाँ चलो, तुम भी चलो। और तुम रात भर मच्छर भगाओ। अगर मुझे एक भी मच्छर काटा ना तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैंने केबल छुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बीबी ने छुआ तो उसे 440 वोल्ट का झटका क्यों लगा? मार्स में उस वक्त लोड शेडिंग थी। गुड नाइट। मार्स पे भी लोड शेडिंग होती है? से गिरने के बाद भी ये ऊपर नहीं पहुंचा। हाँ यार, तीन मगरमच्छ मर गए जिनके ऊपर ये गिरा था। उसे देखकर नानी याद आ गई ना, पता है तुम्हें वो कौन है? कौन है वो? एलियन। एलियन? मुझे तो यही एलियन लग रहा है भाई। अच्छा ठीक है, मैं तो एलियन हूँ लेकिन आप लोग कौन हो भाई? फैंटास्टिक फोर। कहाँ गया वो? Thank you.
क्या है रे? जुबे, काम खत्म हुआ कि नहीं? इतनी क्या जल्दी, अभी काम तमाम करके आपको खुशखबरी देता हूं। ये आवाज कैसी थी? ये आवाज तेरी तबाही का आगाज है। कौन है तू? वही जो तेरी मौत का कारण बनने वाला है, या यूं समझ ले कि वही जो तेरी मौत बन के आया। जिसे भेजना है भेज दे, चाहे तो खुद आ जा, मैं तेरी वो हालत करूंगा। तेरी साथ कुछ से देख के हिल जाएंगी, थर थर कांपने लगेंगी। लड़की को किडनैप कर लिया? नहीं, हम तीनों के अलावा कोई चौथा भी हमारे प्लान के बारे में जानता है, और मैं अच्छे से जानता हूँ वो चौथा शख्स कौन है। इस बार तो उसने लड़की को बचा लिया, लेकिन वो हमारा प्लान किसी को नहीं बता पाएगा। मुझे जेल से निकालने का बंदोबस्त करो जल्दी। रामकृष्ण प्रसाद के बाप के मरने की बरसी है, अगर हम उसमें शरीक हुए तो लोगों के दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी, और अगर उस दौरान वो मर गया तो कोई हम पर शक नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारे पागलपन से तंग आ गई हूँ। क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया है बाहर से? खोलो इसे! क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो, खोलो! आखिर हो क्या रहा है बाहर? लीजिए, पकड़िए इसे। वो क्यों? अगले सीन में आपके ऊपर जो हमला होने वाला है ना अंकल, ये आपको उससे बचाएगा। तुम्हारा दिमाग है कि चाइना का माल बार बार खराब हो जाता है? तुम्हारा तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन शॉपिंग में बेच दो ना, उसमें तो ऐसे डिफेक्टिव पीस भी बिक जाते हैं। इनको जो खरीदेगा उसे मेंटेनेंस का खर्चा भी देना पड़ेगा। पास में एक योगा आश्रम है, वहाँ अंकल की अकल ठिकाने आ जाए। अकल को ठिकाने लगाओ या अंकल को, पर जल्दी कुछ करो। कब जाना है? बड़ी जल्दी है, थोड़ा वेट कर लो। मंगल ग्रह के एलियंस यहाँ इंडिया में आ चुके हैं? टूरिस्ट के तौर पर आए हैं या सेटल होने? अगर सेटल होने आए हैं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, 1 BHK खरीद नहीं पाएंगे, मंथली रेंट वो दे नहीं पाएंगे, और करप्शन में सांस ले नहीं पाएंगे। स्वामी जी, आप यही तो मार खा गए। बिना राशन कार्ड के अच्छे अच्छे सेटल हो गए, घूस देकर ये भी घुस जाएंगे। उनकी करेंसी तो डॉलर से भी बहुत महंगी है ना स्वामी जी? सच कहा बालक, अगर हमारे आयुर्वेदिक बिजनेस में वो पार्टनर बन जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरे बाबा की तरह आप भी मुझे फ्रॉड लग रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, कहीं भी बकबक शुरू कर देते हो। ये जो तुम्हारा भेजा है ना, इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है। इसे ठीक कर दो, या तो कोई इसे अच्छा दिला दो। तुम टेंशन मत लो बेटी, ये योगा से ठीक हो जाएगा। योगा करना है स्वामी जी, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आप झटके देंगे। जैसा योगा करना है करूंगा, मगर सच्चाई यही है कि ये एलियन है, योगा करना है ना। चलो। उधर बाहर कहाँ जा रहे हो? इसके अंदर जाना है। इसके अंदर? इसके अंदर मैं कैसे घुस सकता हूँ स्वामी जी? आप लोग इन्हें घुसा कर बताइए कि कैसे घुसते हैं। घुसा तो आप ऐसे रहे हो स्वामी जी, जैसे मैं कि घुस का पैसा हूँ। घुस जाओ, घुस जाओ। अगर इस डब्बे में घुसा तो मुरब्बा बन जाएगा मेरा। तुम कुछ क्यों जाओ, मुझे मुरब्बा पसंद है। अरे इसे जल्दी अंदर डालो, अगर ये इतना बोलेगा तो हमें भी डब्बे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो, भगवान के लिए छोड़ दो। अरे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ देर में ये ठंडा हो जाएगा मगर अंडा नहीं देगा। How much? 100 rupees, sir. Okay. Hmm.
थैंक्स मैडम। मैडम जेब काटू मैं और मलाई खाएंगी आप? ईमानदारी भी कोई चीज होती है। अब मैं जा रही पिज्जा खाने, रोक सको तो रोक लो। स्टॉप! तुम्हें तो पोलियो हुआ था ना? हाथ पैर इतनी जल्दी ठीक हो गए तुम्हारे? कहो तो कटिंग करवा दूं? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, नहीं तो जीव कतरों की किताब से तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नहीं मैडम, चैप्टर खुला रहने दीजिए, इसका हम 50-50 कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। थैंक यू मैडम। तुम्हें एक आदमी के पीछे के कपड़े काटने, पीछे के, और तभी मिलेगा तुम्हें ये पर्स। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए ना मैडम। अपना बायां हाथ अपने पीछे रखो। हाँ बचपन से ही ऐसे ही अभी अभी बिगड़ी है। कैसा महसूस कर रहे हो? अब मुझे समझ में आ गया स्वामी जी, एलियन अपने यहाँ नहीं आ सकते। स्वामी जी इनका दिमाग ठीक तो हो गया है ना? ये माँ का लाडला अभी तो सुधर गया है, मगर आगे अगर किसी तरह का कोई लक्षण दिखे तो इन्हें फिर से मेरे पास लेकर आ जाना। अगली बार इससे भी छोटे डब्बे में बिठाकर इलाज होगा। जी स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप कहे तो मैं कमर सीधी करके आ जाऊँ। इस डब्बे ने मेरी कमर का कच्चा बना दिया। आराम से। उसका काटना है। देखो अब मेरे ब्लेड की धार और मेरी कटिंग की रफ्तार। मैडम लोकेशन क्लियर है, शूटिंग कर सकती हो। तुमने गलत आदमी का बैंड बजा दिया, बगल वाले का फाड़ना था। अरे मैडम क्या लोकेशन है, क्या तिल है। आंटी। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आंटी वो अंकल। स्वामी जी। अरे मुझे पानी समझ के बचा लो, प्लीज सेव द वाटर। तू तो गया। मर गई। क्या ये? चश्मा उतार के देख, ब्लेड है। किस काम में आता है ये? बेटा इसे छोटा मत समझ, ये ऑलराउंडर चीज है। ये शेविंग के साथ साथ अर्निंग के भी काम आती है। इसके और क्या क्या टैलेंट है? तू क्या टैलेंट हंट कर रहा है? बच्चा ये ब्लेड ब्लड निकाल देगा। टैलेंट आदमी में होता है, इस ब्लेड में नहीं। आप तो मेरे भी बाप निकले, मेरे साथ साथ मेरे शर्ट की भी हजामत कर डाली। ब्लेड का जो काम है उससे वही काम कर। जा सलून खोल, शेविंग के साथ सेविंग भी कर। ठीक से समझ गया ना? हो गया ना टैलेंट का कबाड़ा। शुक्र है कि इस ब्लेड ने उसके कपड़ों को नहीं टच किया, वरना मैडम आज मेरी भी कटिंग इस कपड़े के मच्छरदानी जैसी हो गई होती। गया तो था वन पीस बनकर और लौटा हूँ कट पीस बनकर। आज का दिन ही खराब है। एक पर्स मारा था वो भी आपने मार लिया। क्यों ना हम उसका 50-50 करके निकल ले। सॉरी, तुम जैसे जेब कतरों की वजह से ही हमारे देश का नाम दुनिया भर में बदनाम है। मैंने वो पर्स उस फॉरनर को लौटा दिया। इनक्रेडिबल इंडिया, जय हिंद। पूजा, पूजा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों खड़ी है? उसका निशान देखने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही। इस काढ़े को ट्राई करना। कहाँ से लाई? ट्रीटमेंट के दौरान एक आदमी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, तो स्वामी जी के इस काढ़े को सूंघते ही वो बेहोश हो गया। वाओ, थैंक यू। यकीन हो गया ना वो मेरे अंकल का ही बेटा है? 200%। पूजा तुम दोनों यहाँ बैठे और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। तुम्हारे अंकल कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहे थे? दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है, भूल गई? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ नेटवर्क कहाँ आता है? वहाँ उस तरफ जा। ये भी ना।
स्वरूप नेता की पुण्यतिथि है। जैसे शैतान हमें यहाँ नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। मनहूस सूरत लेकर यहाँ से निकल जाओ। जजमान, लोगों को दिखाकर इसे जल में प्रवाहित कीजिए। बताओ कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, आप ही बात कीजिए। मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने आया हूँ जिससे आप और यहाँ सारे लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके पिता हरिश्चंद्र प्रसाद जी ने हर भेदभाव को मिटा दिया, हर घर में रोजगार दिया और एक ऐसे महान इंसान बन गए जिन्हें पूरे आजमगढ़ में देवता की तरह पूछते हैं। आज से ठीक 20 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ था। उन्हें यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर जौनपुर में 10 एकड़ की जमीन पर मेरी सरकार ने उनकी 72 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का फैसला किया है। वो हमारे भी पूजनीय हैं, बस आप हाँ कर दीजिए। सुनिए, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। 10 एकड़ की जमीन के बीचों बीच 72 फीट ऊंची मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। एक बात याद रखो, वो 10 एकड़ नहीं बल्कि 32 एकड़ है। वहाँ 8,000 परिवार झुग्गी झोपड़ियों में अपना बसर करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर उन गरीबों की जमीन पर कब्जा करके तुमने वहाँ पार्क या मूर्ति बनाने का सोचा और एक भी झोपड़ी को नुकसान पहुँचा तो तेरे अंतिम संस्कार के लिए तुझे 1 इंच जमीन नसीब नहीं होगी। लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे पिता की मूर्तियाँ शहर में जगह जगह बनाई हैं। हमें और मूर्तियां खड़ी करने के लिए तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। महान नेताओं को लोगों के दिलों में रहना चाहिए, डांबर की सड़कों और पत्थर की मूर्तियों में नहीं। अब बताओ ये मूर्ति लगाने का ढोंग तुम क्यों कर रहे हो, वरना ये भी मुझे ही उगलवाना पड़ेगा। नहीं देखिए, दरअसल बात ये नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये शंकर राव का प्लान नहीं था। पार्टी हाई कमांड ने आपको खुश करने के लिए ये फैसला लिया था ताकि आप इनकी पार्टी में शामिल हो सके। वो क्या है ना, आपके उम्मीदवार पिछले 25 सालों से यहाँ से जीतते आए हैं। अगर इस बार इलेक्शन में आपने इनकी पार्टी का साथ दिया तो पार्टी हाई कमांड आपको अपनी पार्टी में बड़ी से बड़ी पोस्ट दे सकती है। पोस्ट सिर्फ नाम की चीज नहीं होती कि बस उसका बिल्ला लगाया और घूमते रहे। वो एक लीडर को दिया गया लोगों का विश्वास होता है। मैं तुम्हारी तरह विश्वासघाती नहीं हूँ। मेरी जिंदगी से बढ़कर लोगों की भलाई है, लोगों को मुझ पर विश्वास है। और जो नेता लोगों की ना सोचकर अपने बारे में सोचता है वो नेता नहीं, दलाल कहलाता है। तुम जैसा दलाल जिसका ना तो कोई ईमान होता और ना ही कोई धर्म, चवन्नी चवन्नी में बिकते हैं तुम जैसे तुच्छे नेता। तुम्हारी पूरी पार्टी चवन्नी छाप नेताओं से भरी पड़ी है, यही सच है। तुम मेरी पार्टी और हाई कमांड की असली ताकत जानते कहाँ हो? अरे इन जाहिल लोगों की मदद करने का क्या फायदा? अगर आज के बाद मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की या मेरे लोगों के बारे में कुछ भी गलत कहा, भैया आपके लिए फोन। बोलो। ए, कौन बोल रहा है? मुझे इतनी जल्दी भूल गया या याददाश्त कमजोर पड़ चुकी है? तेरा बुरा वक्त अब शुरू होता है। तेरे परिवार से किसी आदमी को नहीं बख्शूंगा। तेरी भतीजी मेरे कब्जे में है, देख कैसी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूँ उसकी। बचा सकता है तो उसे बचा ले, लेकिन इसके लिए तुझे गोरखपुर अकेले आना होगा। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तेरी आँख खुलने से पहले ही तुझे मार देना, फिर सोचा तुझे कैसे पता चलेगा किसने मारा। तू सुपारी लेने से पहले मारने वाले की अच्छी खासी मालूमात ले लेता है ना?
और मैं मारने से पहले मरने वाले को अपनी पूरी मालूमात देता हूँ, फिर मारता हूँ, समझे? अपना स्टाइल। तूने उसको दो बार मरने से बचा लिया, अब बचा के दिखा। तू आजमगढ़ के टाइगर का बेटा है, कहीं तू चूहा तो नहीं है ना? घर वालों ने बड़े लाड़ प्यार से इसे बड़ा किया है, अब तेरे सामने मेरे पंटर लोग इसकी इज्जत लूटेंगे। तू सिर्फ देखता रह जाएगा, लेकिन इसे बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये गन खाली है। खंजर खिसका तो तेरी जिंदगी खिसक जाएगी। तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी खौफ खाएगी। तूने मुझसे अकेले आने को कहा था ना, तू शायद भूल गया कि मैं अकेला ही 100 आदमियों के बराबर हूं। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन तू तो मेरा दुश्मन कहलाने की भी लायक नहीं। ये बता पूजा कहां है? सिर पे चोट लगने की वजह से ये बेहोश हो गई है पिताजी। तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे अपना पिता कहे? क्योंकि मैं सच जान गया हूँ। ज़बान खींच लूँगा मैं तेरी। पिताजी मैं यहाँ आपके लिए। नहीं, तू यहाँ मेरे रुतबे मेरे नाम को पाने के लिए आया है।
तो चाहे वाल्मीकि बन जा, तुझे मेरा नाम कभी नहीं मिलेगा। मुझे वाल्मीकि नहीं बनना, मुझे आपका बेटा बनके परिवार का ध्यान रखना। इस परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तुझे इस दुनिया में जहां जाना है जा, जिससे रिश्ता बनाना है बना ले, अगर मेरे परिवार से जुड़ने की जरा भी कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। स्वामी जी, जितने दिन आपने मुझे इस डब्बे में रखा उतने दिन अगर कोई मुर्गी को रखते तो 10 से 12 बच्चों की अम्मा होती। अपने आप को जादूगर समझते हैं आप? जादूगर रहे लुच्चे तुच्चे पाखंडी है। हे राम, ये क्या बक रहे हो? स्वामी जी के बारे में तुम ऐसी बातें कह रहे हो? स्वामी जी, लगता है इन्हें 1 महीने डब्बे में रखना पड़ेगा तभी ठीक होंगे। मैं 1 महीना घूम लूंगी। 1 महीने क्या घूमने जाओगी? मेरे साथ आ जा, तुझे फ्री में वर्ल्ड टूर करवा देता हूँ। पापा के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। जिसे आप एलियन समझते हैं वो पूजा के अंकल का खोया हुआ बेटा है। पूजा के अंकल का बेटा? लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं? फेसबुक पे अपडेट तो किया था। अरे पागल, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो स्पेस रिसर्च सेंटर को फोन करने वाला था, उन्हें शायद मुझ पर तरस आ जाता और वो मुझे अपने साथ ले जाते। आपके धरती लोग से अच्छा है कि मैं एलियन लोक में सेटल हो जाऊं। आज्ञा दीजिए। भगवान ने पहले तो अच्छे लोगों को दुनिया के कोने कोने में बनाया, फिर दुनिया को गोल बनाया, पर मेरे नसीब ही फटीचर भेज दिया। अंकल, आपका दिमाग फिर से घूम रहा है ना? आप सोच रहे हैं कि मैं आजमगढ़ के लीडर रामप्रसाद का बेटा कैसे बन गया? मैं एलियन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो फिर तुम ऊपर से कैसे आए? एक्चुअली कुछ लोगों ने बचपन में मुझे किडनैप कर लिया और अमेरिकन लैब में भेज दिया। वो लोग रिसर्च कर रहे थे कि मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं। फिर उन लोगों ने रॉकेट से मुझे मंगल भेजा, वहाँ मुझे कुछ एलियंस ने गोद ले लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी किस्मत फूटी थी कि तुम मेरी जिंदगी में आए। मुझे तो कल ही पता चला कि मैं कोई एलियन नहीं हूँ, रामप्रसाद जी का बेटा हूँ। मैं वापस मंगल गया सच्चाई का पता लगाने, तब जाके सच्चाई से पर्दा उठा। आप मेरे पापा का एड्रेस बताइए ना अंकल, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। अच्छा, मंगल ग्रह से ऑफर लाए हो क्या? मगर जब से तुम मुझसे मिले हो मैं किसी से मिलने के लायक नहीं बचा। मुझे बस 1 करोड़ दे दो, मैं बिना गेम खेले करोड़पति बनना चाहता हूँ। यहाँ का 1 करोड़ चाहिए या मंगल का? मंगल का 1 करोड़। वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के बच्चे हैं। आप सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्यों? तुम लोग अगर कोर्ट गए तो चारों में से किसी एक का ऊपर जाना तय है। बाकी 3 मजबूरी में आके रोद होके हमारे साथ रजिस्टर कर लेंगे, क्यों? तुम सबको सॉफ्टवेयर कंपनियां मोटी सैलरी देती हैं, उन पैसों को अपने बच्चों के लिए बैंक में FD में जमा करते हो। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? चुपचाप इनको जमीन के कागज दो और चलते बनो। सॉरी सर, मैं जानता हूं कि आप करप्शन को बढ़ावा देके हमें धमका रहे हैं, लेकिन हमारे लीडर ने हमें बिना डरे यहां आपके सामने साफ साफ बात करने के लिए भेजा है। कितनी पढ़ाई की है? क्या तुम तलवार, चाकू, छुरे, गन चलाना जानते हो? ये लोग इन सारे कामों में एकदम उस्ताद है। बोलो ना रे। रामकृष्ण प्रसाद जी, प्लीज प्लीज आप चुपचाप यहां से चले जाइए। सर, अगर आप जैसे लीडर DGP के ऑफिस के बाहर हंगामा खड़ा करेंगे तो लोगों का पूरी तरह से पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज चले जाइए। क्या लोग तुम पर तब बहुत विश्वास करेंगे जब तुम मासूमों को अपनी ऑफिस में बुलाकर मारने की धमकी दोगे? तुम एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हो, कभी गलत काम करके इसकी शान को कम मत करना। इनसे कहो इन बच्चों से सॉरी कह के इनकी जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाए। हम इन 2 कोड़ी के लोगों से माफी मांगे जो सैलरी पे जीते हैं। सरकार हम चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में है, फिर इस बुड्ढे के आगे झुकने की क्या? तुम्हें बीच में नाक घुसाने की क्या जरूरत थी? सर प्लीज प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो इंतजार किसका? लो एक्शन। मुझे मारने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे पॉलिटिशियन पापों को। आखिरी बार कहता हूँ कि इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारे हाथ में गन भी है, और तुम्हारी नजरों के सामने क्राइम हो रहा है, तो चलाओ गोली।
सर सर सर, मिनिस्टर साहब का फोन है। बोलिए। अरे अपनी गन नीचे करो और उसे और उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बाइज्जत वहां से जाने दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रिज जो हो रहा है पूरा शहर स्पाई कैमरे के जरिए लाइव देख रहा है। तूने कहा था सरकार तेरी है और तू जो चाहे कर सकता है। अरे तुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। पावर अपनी पोजीशन में नहीं होती, अपने आत्मविश्वास में होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जमीन खरीदने का हक नहीं। सच तो यह है कि इन्हीं की वजह से देश तरक्की करता है, जिनकी वजह से आज हमारे स्टेट को पूरी दुनिया जानती मानती। ऐसे होनहार लोगों को डराते हो। अगर आइंदा ऐसे होनहार लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की तो चीर के रख दूंगा। आजमगढ़ से यहाँ आके तुमने मिनिस्टर के बेटे पे हाथ उठाया। अगर भारत में रहने वाले किसी भी मासूम शख्स के खिलाफ अन्याय हुआ तो सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, मैं हर जगह जाऊंगा और उस अन्याय को मिटाऊंगा और उस अन्याय करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जेल में बैठे उस कैदी से कहो कि मुझे मारने का अच्छा प्लान बनाए। मारना चाहता एक शेर को, उस गीदड़ से जाकर कहो एक और कोशिश कर ले। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए, इनकी पल्स रेट तेजी से गिर रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कोमा में भी जा सकते हैं। डीजीपी, 2 मिनट का मौन धारण करने आया हो क्या? टीवी की रिपोर्टिंग देखी? हर जगह से फटकार सुननी पड़ रही है। बड़ा प्लान बना रहे थे 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी पार्टी को जिताने का, अब एक जगह से भी नहीं जीत पाएंगे हम। मुझे तो लगा था डीजीपी बहुत ताकतवर होता है। मुझे क्या पता था एक नंबर के फुसकी बम हो। अबे घूर क्या रहा है, इसका जिंदा रहना खतरनाक है, मार दो इसे। यहाँ के एसपी को स्टेटमेंट देने बोलो कि ये रामकृष्ण प्रसाद को मारने आया था और पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर में उड़ा दिया। उसके बाद रामकृष्ण प्रसाद को कैसे मारना है उसका भी मैंने प्लान बनाया हुआ है। रामकृष्ण प्रसाद को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। अबे स्ट्रेचर पर लेटकर मारेगा? एक बात सुन लो, उसे मैं नहीं मारूंगा, उसे मारेगा उसी का बेटा। क्या, उसका बेटा? अबे चोट लगने से दिमाग फिर गया है क्या? एसपी को फोन करके ये पूछो कि क्या सालों पहले उसके थाने में एक बच्चे के खोने की कंप्लेंट दर्ज हुई थी या नहीं। उसका बेटा अपने परिवार की तलाश में आजमगढ़ जरूर जाएगा। बस एक बार वो वहां की जमीन पर पैर रख ले, मैं बस इतना ही चाहता हूं। उसके बाद कुछ ऐसा करूंगा कि जो लोग उसे भगवान मानते हैं वही उसे हैवान मानकर उससे नफरत करेंगे। कुछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम इसे पहले से जानती हो। हाँ जानती हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो बताया क्यों नहीं? अंकल ने मुझे बताने से मना किया था। साथ ही अंकल ने मुझे एक और जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि इनके सौतेले माँ बाप ही इनके असली माँ बाप रहेंगे। अगर आपको इस बात की खबर मिलती कि सालों पहले आपका पिछड़ा हुआ बेटा लौट आया है तो आप मायूस हो जाते, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। हुआ, तुम रुक क्यों गए? अंदर आओ बेटा। जिंदगी में मेरी सिर्फ 2 इच्छाएं हैं। मैं इस घर में अपने पोते और बेटे को एक साथ देखना चाहती थी। मेरा पोता तो वापस आ गया है। अब तुम इस घर के अंदर आकर मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। सिर झुकाए खड़े रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इसके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माना। सिर पे जोर से लकड़ी मार के बेहोश कर दिया, फिर यहाँ पे लेके आया। कितना मुश्किल काम था।
अरे इस चक्कर में मेरी 20 लाख की रोलेक्स की घड़ी गुम हो गई। गई तो गई, लेकिन मैं इसे सीधा यहाँ पर लेके आया। आप हमारे घर के चिराग को यहाँ लेकर आए हैं? रोलेक्स की घड़ी तो छोटी चीज है, मैं आपको उससे भी महंगी दिला दूंगी। घड़ी के साथ साथ मेरे गले से सोने की चेन भी कहीं खो गई। आते वक्त रास्ते में ही गिरी होगी। बॉबी, तो अड्डा जवाब नहीं। रोलेक्स का प्लान सुपर हिट रहा यार। मैंने मना किया था, फिर भी मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? प्लान बदलने से पहले बता तो दिया होता। मैंने तुमसे पूछा तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लान तो तुम्हारा है। प्लीज रुक जाओ, तुम ही मेरे अंकल के बेटे हो, ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। अब साबित करने से कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ एक दोस्त की तरह आया था और दोस्त की हैसियत से जा रहा हूँ। मुझ पर नए रिश्ते थोपने की जरूरत नहीं। मैं शुरू से अनाथ था और अनाथ ही रहूंगा। बेटा, माना कि तुमने हमें सालों से नहीं देखा, पर सच तो यह है कि हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम पर हमारा इतना हक तो बनता है ना बेटा। देखिए आंटी, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन मैं आपका खोया हुआ बेटा नहीं। सुनिए सुनिए जी, आप इसे समझाइए ना। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हमने इसको जन्म जरूर दिया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। जिन्होंने बड़ा किया उनके पास रहना इसका धर्म है। जाने दो इसे। छोड़िए आंटी, बेकार में मुझे रिश्ते नातों की बेड़ियों में मत जकड़िए प्लीज। उसे रोक लीजिए, कुछ दिन तो उसे माँ के आंचल में रहने दीजिए। रुको, हमारे बेटे की हैसियत से नहीं, पूजा के दोस्त की हैसियत से तुम यहाँ 10 दिन रुक सकते हो। ठीक है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी बात को मैं टालूंगा नहीं। रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। हमारे परिवार की फोटो तोड़ के तुमने अच्छा नहीं किया। इस परिवार को ना अपनाओ ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस घर का मालिक, इस घर के मालिक की तुम बेइज्जती करोगे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका बेटा पीछे वाले घर में क्यों रहता है? वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी का बेटा है। तुम्हारे दादा ने मन मार के बड़े बुजुर्गों के कहने के बाद मुझसे शादी की थी। जानते हो वो कितने सख्त आदमी थे, वो कभी किसी की भी गलती को अनदेखा नहीं करते थे। मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई सजा को वो आज भी मान रहा है। रोलेक्स तो गई। देखो आप बहाने बनाना बंद करो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप मुझे देंगे कि नहीं? क्या नहीं है तो फिर मेरे वादे का क्या होगा? मैंने किसी को 1 करोड़ देने का वादा किया है। बॉबी, वो मैं अपने पापा से आपके पैसे की ही डील कर रहा था। पापा से? कौन से पापा, किधर है वो? मेरे स्टेप पापा ऑनलाइन है ना। तुम्हारा मतलब मंगल ग्रह वाले? हाँ वही,
अरे अगर वो ऑनलाइन है तो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं? अच्छा तो ये डाउट है, मंगल से आते ही मैंने सिटी आई हॉस्पिटल में अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद आँखों से अल्ट्रावायलेट रेज निकली और एलियंस दिखने लगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो ऑपरेशन करा लो। आँखों में से अल्ट्रावायलेट रेज? कोई शक? इंडिया में इतना एडवांस आई ऑपरेशन होता है क्या? अच्छा आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? अब मैं आपको और रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे इनके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, जाइए आप लोग। बॉबी बॉबी बॉबी, मैंने तुम्हें मंगल ग्रह से पार्किंग करते हुए देखा था, वो तुम्हारे पापा नंबर 2 है, उन्हें रोको, कहीं पैसे दिए बिना चले गए तो। ये ऐसे नहीं जाने वाले, ये दोनों अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अनशन पर क्यों बैठे? जबकि बिल तो तुम्हें पास करवाना है। यही रूल है। वो क्यों? भाई 1 करोड़ का इंतजाम 5 मिनट में करना था, समझे कि नहीं? मगर इन्हें 10 करोड़ का छुट्टा नहीं मिला और 5 सेकंड लेट हो गए। अब बोल रहे हैं कि यहाँ की घड़ी स्लो है, ऊपर से कह रहे हैं कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है, कहाँ से खुशो, इसलिए सुरंग खोद के आए। देखो पैसे ले लो, नहीं तो अनशन जारी रहेगा। अब बात मेरे भेजे में घुस गई है। तुम एक काम करो, इनके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। बॉबी अब तुम जाओ और चैन की सांस लो। फिर आपके पैसे का क्या होगा? वो मैं वसूल कर लूंगा। कैसे? मैं इन्हें जूस पिला के इनका अनशन तुड़वा दूंगा। थैंक यू। सुनी जी, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरा तो दिल बैठा जा रहा है उसके जाने का। दुख तो आपको भी हो रहा होगा ना? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ। आप मेरे बेटे को मेरे आंचल में ही रहने दीजिए। अगर किस करने का इतना शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? मेरी लिपस्टिक खराब हो गई, आगे से मुझे किस किया ना तो मैं भी तुम्हें करूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने तो कुछ नहीं किया, इसीलिए तो उन्होंने किया। किस लिए बुलाया मुझे? किस के लिए? देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे राजा तुम ये सब नहीं करते मेरे साथ, इसलिए। ये क्या कह रहे हो तुम? शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहते हो? नहीं तो शादी नहीं करोगे मुझसे? भैया बिना टेस्ट लिए शादी करेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, और टेस्ट लेके भी शादी करेंगे तो भी क्या उखड़ने वाला है, हालात तो वही रहने वाले हैं। बिटिया छोड़ना मत। देखा तुमने कैसे तुम मेरे जाल में फंस गए? काश तुम मेरी बाहों में हमेशा के लिए आ जाओ मेरे राजा। कुछ खा लीजिए, नहीं तो पानी पी लीजिए। ये देखिए मिनरल वाटर है, इतने ऊपर से आए हैं, खा लीजिए, नहीं तो दिल्ली पुलिस आएगी तो भाग भी नहीं पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहे हो? बोरिया लादने के लिए ट्रैक्टर आने वाला है। अरे ट्रैक्टर तो क्या, यहाँ पे साइकिल भी नहीं आने दूंगा। आखिर क्यों नहीं आने दोगे? अगर ट्रैक्टर यहाँ आएगा तो इनकी जुताई बुआई हो जाएगी। भैया जी, भैया जी, भैया जी। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये पागल खाने से भाग आया है। पागल खाने से नहीं क्या? भागा, ये मेरा दोस्त है। और वो क्या होता है? योगा कर रहा है, इसमें हवा से बातें करते हैं, इसमें सांस बाहर छोड़ते हैं और ताजी सांस अंदर लेते हैं। जाओ अपना काम कर। ठीक है। क्या हुआ, हालचाल ठीक तो है ना अंकल? अब तुम्हें क्या हाल बताओ, नींबू निचोड़ निचोड़ के मेरा खुद का नींबू पानी बन गया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी नींबू पानी पीते नहीं। ये देखिए पैसों के साथ साथ लेटर भी छोड़ गए, इसमें लिखा है उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। अच्छा मैं भी देखूं, मगर पैसे तो दिख ही नहीं रहे। अपने हाथ फैलाइए। एक्चुअली वो 50-50 लाख के 3 बंडल छोड़ गए, जिसमें से 50 लाख आपकी टिप है, आपने उन्हें नींबू पानी पिलाया ना, आप नाराज नहीं होना। लेकिन ये बताओ मुझे पैसे दिख क्यों नहीं रहे? जब आपको पैसे देने वाले ही नहीं दिखाई दे रहे तो पैसे कहाँ से दिखाई देंगे? अरे ये सब छोड़ो, मुझे बस पैसे देखने हैं। मुझे भी उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो जहाँ तुमने अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाया था।
ये सारे पैसे मेरे हैं। एक बात बता दो, शॉर्टकट से पैसे कमाना भूल जाओ, अपनी मेहनत से पैसे कमाओ। आगे से शॉर्टकट नहीं मारोगे ना, जाओ निकल लो। I love you. तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे साथ कुछ दिन क्या बिताए सबको तुमसे लगाव हो गया। यह इस परिवार और मेरे इलाके के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। अपनी जिंदगी में एक तो अच्छा काम करते जाओ। इतनी पुलिस को यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम एक मर्डर की जांच करने आए। तुम मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मंदिर में आए हो? निकल जाओ यहाँ से। ये देखिए हमारे पास सबूत है और कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो कानून को अपना काम करने दो। हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान जांचने हैं। यहां आके उंगलियों के निशान दो। सर, खूनी के फिंगरप्रिंट्स और इसके फिंगरप्रिंट्स दोनों मैच हो रहे हैं। यही है हथियार। बीस साल पहले हरिश्चंद्र प्रसाद की ठीक यहीं पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें मारने के लिए इस देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ था। खूनी का पता लगाने के लिए परिवार में हर किसी की उंगली का निशान लिया गया था। इसकी उंगलियों के निशान इस पर मौजूद निशान से हूबहू मिलते हैं। रुक जाओ, खून तो एक बच्चे ने किया था। उस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हमारे भैया के साथ कैसे मिल सकते हैं बताओ? उंगलियों के निशान हमेशा एक जैसे रहते हैं। आपके बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी नहीं बदलते। इसने इनके इशारे पर हरिश्चंद्र की हत्या की है। मेरा बेटा मेरे पति को क्यों मारेगा? इसे गिरफ्तार करके ले जाने की हिम्मत है तुम में? तुम्हें यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपका बेटा आपको बिल्कुल नहीं चाहता। इसने अपने बाप की जायदाद और ऊंचे रुतबे को ठोकर मारी, जिंदगी भर घर के पीछे रहा। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गायब हो गया है, लेकिन चुपके से उसे कहीं और पाला पोसा और बचपन से ही उसे एक खतरनाक हत्यारा बना दिया। सिर्फ सत्ता के लिए इसने आजमगढ़ के पिता कहे जाने वाले हरिश्चंद्र प्रसाद को अपने बेटे के हाथों से मरवा डाला, आपके इस सौतेले बेटे ने। राम प्रसाद, तुमने अपने बेटे की मदद से अपने पिता को मरवाया, ये ऐसा कह रहे हैं? तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? एक बार ना कह दो, फिर देखो यहाँ के लोग इनका क्या हाल करते हैं। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दो बेटा। यही सत्य है। क्या? मत छूना मुझे। तुमने तो उनका पिंडदान किया था, अब कहते हो तुम्ही ने उनकी हत्या करवाई। आज तो बेटा तुमने उनकी आत्मा की भी हत्या कर दी। आज तक मैंने यही सुना था कि पिता अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, पर आप तो पहले ऐसे बाप होंगे जिसने अपने बेटे को एक हत्यारा बनाया है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे अंकल के आपके महान होने के पीछे इतना इतना भयानक आदमी छिपा हुआ है जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता को मार दिया। आपके इस घिनौने काम को देखकर हमारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। इसे तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। काट दो इसे। कौन बोला? किसने ये जुर्रत की? डीजीपी, इससे पहले कि लोग इन्हें गुस्से से मार दें, इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ।
हाथ मत लगाइए। आपने जो भी किया वो देखने से पहले काश मैं मर जाता। क्या कहा तूने? तुझे देवता को भगवान कहने में शर्म आ रही है? आज आजमगढ़ ने अपना भगवान खो दिया है। क्या भैया, आप अपने पिता की हत्यारे की तरफदारी कर रहे हो? सिर्फ तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं उससे दिल से पूछता हूँ और पूछता रहूंगा। क्या कहा था मेरे भाई को? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब सरकार ने भी तुम्हारी परवाह करना छोड़ दिया था, तब मेरे पिता ने तुम्हें अपना बच्चा मान के तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए अपना खाना पीना उठना बैठना सब भूल गए थे। मेरा भाई एक पहाड़ की तरह उनके पीछे हमेशा उनकी रक्षा करता रहा। अब बोलो। मेरा भाई वो भगवान है जिसने तुम सब लोगों की खातिर अपना बेटा न्योछावर कर दिया और उफ तक नहीं की। अरे पगली, भाई ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो तो हमेशा हमारे लिए जिंदा रहा और आगे भी रहेगा। उन्होंने कभी तुम्हारी खुशी में कोई कमी होने दी? तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम अनाथ हो? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं एक अनाथ हूं, मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। आज से 25 साल पहले जब पिताजी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस में गए थे, तभी दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू, प्लीज सेट अप योर स्टील प्लांट इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर पीटरसन, ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी। अब हमारे अगले प्रेजेंटर हैं इंडिया से मिस्टर हरिश्चंद्र प्रसाद। मे आई कनेक्ट योर लैपटॉप टू प्रेजेंटेशन स्लाइड? मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं। इन्हें तो लैपटॉप की स्पेलिंग तक पता नहीं होगी, ये इंडिया से जो हैं। प्लीज स्टॉप, जो देश टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेता वहाँ भला हम पैसे इन्वेस्ट क्यों करें? आपको भी एक विजुअल प्रेजेंटेशन देना होगा। जो देश एक प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता वहाँ इन्वेस्ट करने से हमें तो एक जीरो ही मिलेगा। अच्छा ये बात है, जीरो के बिना मैथमेटिक्स नहीं होता और मैथमेटिक्स के बिना तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप किसी काम के नहीं, कचरे का ढेर है ये। और इस जीरो की ईजाद करने वाले हमारे आर्यभट्ट थे। और अपने देश की महानता के बारे में और कुछ बताऊं या ये बताऊं कि हमारे देश में ही आपको प्रोजेक्ट क्यों लगाना चाहिए? आई एम सॉरी, प्लीज कैरी ऑन मिस्टर प्रसाद। ये रिपोर्ट सबको दे दीजिए। ओके सर। आयरन और एक्सपोर्ट करने में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हम हर साल 100 मिलियन टन आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को वो सारा मटेरियल देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब दामों पर होनहार कारीगरों का बंदोबस्त करवा देंगे और आजमगढ़ में 5,000 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर हरिश्चंद्र प्रसाद, आपकी रिपोर्ट में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए? आपके देश का आयन ओर प्राइमरी ग्रेड का नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड का है। उसे साफ करके आयन एक्सट्रैक्ट करने में बाकी देशों से कई ज्यादा पैसा लग जाएगा। आप शायद जानते नहीं लेकिन हमें जियोलॉजी की अच्छी समझ है। इस तरह से हम सबको धोखा देके आप अपने देश में ये प्रोजेक्ट नहीं ले जा सकते। आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी इन इंडियंस ने कुछ हासिल नहीं किया। भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, पॉलिटिक्स और नक्सलिज्म के अलावा ये इस प्रोजेक्ट को आजमगढ़ में लगाने की बात कर रहे हैं, जहां हर रोज एक नई मुसीबत पैदा होती है, जहां इस प्रोजेक्ट के पूरे फ्लॉप होने के चांसेस हैं, मतलब टोटल लॉस, घाटा ही घाटा। ये सारे इंडियंस तो होल्ड योर टंग। ये बताओ तुम किस देश के रहने वाले हो? इंग्लैंड। वही ना जहाँ क्रिकेट का जन्म हुआ? You're absolutely right. वो महान देश मेरा ही है। तुम्हारे देश ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप जीता है? तुम्हारे देश ने हमारे देश पर 150 साल राज किया। मेरा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स अपने लिए तो क्या दूसरे देशों के लिए भी लॉन्च करता है? तुम्हारा देश करता है क्या?
हमने क्या हासिल किया है? अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी सुनते सुनते। हमारी सरकार में कुछ नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, पर आम जनता नहीं। लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन किसी से धोखाधड़ी नहीं करते। आजमगढ़ में अगर एक नेता भी भ्रष्ट होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसे वहां से खदेड़ दूंगा। ये प्रोजेक्ट अगर यहाँ आ जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हर घर का एक व्यक्ति अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो जाएगा, उनके परिवार में खुशहाली छा जाएगी। मैं एक अच्छा उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ, आपको धोखा देने। Stop it! मुझे इस बहस में कोई इंटरेस्ट नहीं। सेकंड ग्रेड का आयन ओर यूज करने से हमें कैसे कोई नुकसान नहीं होगा? प्लीज एक्सप्लेन दिस। रिपोर्ट का सिर्फ तीसरा पेज पढ़कर आपने बंद कर दिया। अगर पांचवें पेज पर जाएंगे तो जवाब मिल जाएगा। हमारे देश में कच्चा लोहा सेकंड ग्रेड का, ये बात सच है, लेकिन हम जिस मटेरियल से कच्चे लोहे को क्लीन करते हैं वो सस्ता है, डोलोमाइट। अगर आपकी जियोलॉजिकल भाषा में कहूं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, हमारे देश में इन सब का भंडार है। Am I right, gentlemen? Congratulations, sir. Congrats. Thank you. Congratulations, Thank you. Sir. Congrats, sir. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. For your presentation. Thanks. Expansion is life. Contraction is death. खुद के लिए तो जानवर ही जिया करते हैं। वैष्णव जन तो देने कहिए जे भीड़ पर आई जाने रे, ये बापू ने कहा है। Congratulations. Thank you. It was fantastic, sir. Thank you. आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। इलेक्शंस जीतने के बाद मेरे पिता ने आजमगढ़ में स्टील फैक्ट्री शुरू करने के अपने सपने को साकार करने के लिए कई एनआरआईज को इंडिया बुलाया। उन्होंने उनके रहने का इंतजाम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में करवाया। तुम्हारे माता पिता भी उसी गेस्ट हाउस में थे। यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, यहाँ कोई बदमाशी करने की सोचना भी मत। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो यहाँ लाशें बिछा दूंगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तुझे होगी जब मेरा भाई तेरी बीवी को उठा लेगा। ए, क्या कर रहा है? दूर हट, दूर हट। अबे मैंने इस माल को छुआ तो तुझे इतना गुस्सा क्यों आया? ये मेरी पत्नी है। पत्नी है? शादी को कितना वक्त हो गया है रे? 7 साल। 7 साल पुरानी पत्नी को छुआ तो सूट पहने बाबू को गुस्सा आ गया। और तुम लोग उस जमीन पर कब्जा करके फैक्ट्री खोलने का सोच रहे हो जिसपे पिछले 25 सालों से हमने राज किया है। सोच मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। हम सभी लोग यहाँ पर हरिश्चंद्र जी के कहने पर आए हैं। अगर हम में से किसी को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उस बुड्ढे पे बड़ा भरोसा है तेरे को? कोई रोको उसे। डीएसपी, देखा ना तूने कितनी पावर है मेरे लोगों में, कितनी आसानी से मार दिया हमने तेरे फॉरेन डेलीगेट्स को। ये लोग रूलिंग पार्टी के एमएलए की जमीन पर फैक्ट्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तूने देखा ना यहाँ अभी क्या ड्रामा हुआ? जा जाके ये उस बूढ़े को बता दे। और ये पकड़, इन पेपर्स पर उस बुड्ढे की साइन लेकर आना। इसमें लिखा है कि ये लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये लैंड सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है। बिल्कुल देर मत करना, 30 मिनट बाद एक एक करके सबकी लाशें यहां गिरा दूंगा। जा, जल्दी जा।
मेरे पिताजी सो रहे हैं, उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं। भाई एक घंटा पूरा हो गया और इंतजार नहीं होता, चलो कुछ धमाका किया जाए। ये लोग की तो उस बुड्ढे पर विश्वास करने से बेचारे भोले भाले लोगों की जानें चली गईं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, किस्मत का खेल है। मेरे पिता को लगता था कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि तुझ जैसा मोटी अक्ल वाला गुंडा ये बात नहीं समझेगा। तूने सही कहा था, इस जमीन पर खून खराबा होके ही रहेगा, अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जा। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के गया तो तू जहाँ चाहेगा मैं खुशी खुशी साइन कर दूंगा। मेरे 100 लोगों को मारने के लिए देखो एक अकेला सर फिरा आया है। 100 कुत्तों को मारने के लिए एक ही शेर काफी होता है, आओ सालो अगर दम है तो। मैं भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई नहीं। माफ कर दो इसे, मेरे भाई को माफ कर दो प्लीज। आप बोलो तो यहाँ से दूर चले जाएंगे हम। सर सर उन्हें कहिए ना मेरे भाई को छोड़ दे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ना मत सर, इस हत्यारे ने इस मासूम बच्ची को अनाथ बनाया है। शर्म और लज्जा, नीति नियम, दया और धर्म, जिसके अंदर ये गुण नहीं होते उसे मैं तो क्या धरती माँ भी स्वीकार नहीं करती। तेरे खून से इस धरती को लाल करने की कसम खाई है मैंने। आज हमारी वजह से इस बच्ची ने अपने माँ बाप को खो दिया, यह अकेली हो गई। आज से इसको पालने की जिम्मेदारी हमारे परिवार की है। आपने भैया को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया, माँ ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई, मैं उसे घर लाऊंगी। आजमगढ़ गुंडे के नाम से थर थर कांपता था, तुमने उसका नाम उखाड़ के फेंक दिया। मैं तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता हूं। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुम बाप बेटे को कैसे मारूंगा? तेरे शरीर में इतनी गोलियां दागूंगा कि शरीर गोलियों का ढेर दिखाई देगा। तू मरते मरते डर से चिल्लाएगा और वो सुनते ही लोगों के मन में नागेंद्र का डर फिर से फैल जाएगा। गली गली बच्चा बच्चा चिल्लाएगा, अरे जल्दी से सो जाओ, नागेंद्र भाई आया है। सिर्फ आजमगढ़ को ही नहीं, पूरे राज्य को मेरे खौफ से डराऊंगा। Yeah!
क्या बात है, तेरे चारों तरफ मौत खड़ी है और फिर भी तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। दिल से दाद देता हूँ, इतनी ताकत तुझमें कहाँ से आई? ये मेरे पिता के दिखाए गए नेक रास्ते की ताकत है, उनके बताए उसूलों की ताकत है। अरे कौन से उसूल? जिंदगी से बड़ा उसका मकसद होता है। अगर वो मकसद लोगों की भलाई के लिए हुआ तो बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो अच्छाई के आगे घुटने टेक देती है। तेरे बाप के उसूल उसकी जान नहीं बचा पाए, तुझे कैसे बचाएंगे? उस बोर्ड पर जरा नजर घुमा। बोर्ड? तीन मिनट बाद इस साइट पर एक के बाद एक धमाके होने वाले हैं। जिंदगी से प्यार है तो यहां से भाग निकलो। अरे भैया, जान बची तो लाख हो पाए, लगता है वो बाप बेटे तो अपने आप ही मर खप गए होंगे। जो खौफ तू मेरी आंखों में देखना चाहता था मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ। इसका मतलब तेरा टाइम अब पूरा हो चुका है। जितने भी पुलिस वाले यहाँ से चले जाएं, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे बच्चे अनाथ हों। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। ए, यहाँ से कोई भी हटा तो उसे सस्पेंड कर दूंगा। जिंदा रहेंगे तो ही तो सस्पेंड करोगे। चलो यहाँ से। चलो। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, क्या रे तुम पुलिस वाले? इसीलिए हम पॉलिटिशियंस पुलिस से ज्यादा गुंडों पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। सारा राज्य थर थर कांपेगा। तो मेरी आंखों में खौफ देखना चाहता था, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी करना चाहता था। ऊपर वाले ने मेरे परिवार को सब कुछ दिया, लेकिन वो एक चीज देना भूल गया, और वो है खौफ।
भले इसने ये काम अनजाने में किया हो, लेकिन अपराध अपराध है। आप जो सजा देंगी उसके लिए मैं तैयार हूं। उम्र तो आपको तजुर्बा देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि तजुर्बे से आपको समझ मिले तुम हर सजा भुगतने को तैयार हो। आप बोल के तो देखिए। अपने पिता की आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें अपने घर में वापस आना होगा। उनके वारिस के तौर पर तुम्हें लोगों का मसीहा बनकर इन्हें सही रास्ता दिखाना होगा।